हेलो माय डियर क्रोशेटकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ये दो तरह के हेयर बैंड्स बनाना सीखेंगे, ये पत्तों वाला डिज़ाइन और ये फूलों वाला डिज़ाइन। इसको आप इवन माला के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाते हैं ये। वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे तो बहुत ही आराम से बना लेंगे इसे आप। अगर आप बेबीज़ के लिए बना रहे हैं तो एक बात का खास ख्याल रखना कि जो आप यार्न यूज़ करेंगे वो सॉफ्ट वाला यार्न यूज़ करना। कुछ यार्न्स स्क्रैची रहते हैं, उनसे बेबीज के गले में रैशेस आने का डर रहता है। देखते हैं इनको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम ये वाला पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम ये वाला पैटर्न देखेंगे। अभी हम ये वाला हेडबैंड बनाएंगे पत्तों वाला। इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का धागा लिया है और 2.5 mm का हुक मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले एक नीचे स्लिप नॉट बनाएंगे। अगर आप चाहे तो एंड में इस तरह से मोती भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे लगाना है। ये मोती लीजिए और इसमें से जो पास हो सके वो वाला एक क्रोशा ले लीजिए। इस तरह से क्या करेंगे, इस हुक में से इसको निकालिए बाहर, इसको डालिए, इस मोती को इसमें ऐसे इस धागे को इसमें से निकालिए, ऐसे इस तरह से एक चेन बनाइए और अपना पहला वाला क्रोशा ले लीजिए। आपको ये चेन जितनी लंबी चाहिए उसके हिसाब से चेन्स ले लीजिए। मैंने ये 50 चेन्स लिए हैं, आप अपने बेबी के हेड के हिसाब से ले लीजिए। मैं 50 चेन्स बनाऊंगी अभी। ये मैंने 50 चेन्स बना लिए। अभी हमें 8 और चेन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहली चेन स्किप करेंगे और सेकंड में बनाएंगे। इस तरह से हुक पे हमें लूप्स लेते रहने हैं। 1, ये नेक्स्ट में 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे हुक पे टोटल 8 लूप्स हैं। अब हम क्या करेंगे, ये धागा लेंगे और ये पहले दो लूप्स में से निकालेंगे इस तरह से। फिर से धागा लेंगे और ये दो लूप्स में से निकालेंगे, फिर से ऐसे ही दो दो लूप्स में से हमें निकालते रहना ऐसे इस तरह से। अब एक चेन बनाएंगे और इसे ऐसे टर्न करेंगे। अब हमें फिर से हमारे हुक पे 7 लूप्स लेने हैं पहले के जैसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब उसी तरह से ये धागा लेंगे और पहले दो लूप में से निकालेंगे, फिर से नेक्स्ट दो में से। अब हमें इसे इस तरह टर्न करना है और यहाँ पे टॉप पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। ये हमारा एक लीफ कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट लीफ बनाना है। अगर आप चाहे तो इन दो लीफ्स के बीच में एक यहाँ पे मोती भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप यहाँ पे 8 चेन्स बनाइए। यहाँ पे मोती कैसे लगाना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लगाया था उसी तरह से हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ये हो गया।
अगर आपको ये मोती नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट एक सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद 8 चेन्स बना लीजिए। अब हमें 8 चेन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये वाले लीफ के जैसा ही पैटर्न हमें यहाँ पे बनाना है। ये हमने 8 चेन्स बना ली। इसके बाद एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट से हम ऐसे हुक पे लूप लेना चालू करेंगे। फिर से 7 लूप्स लेने हैं। ये हमारा सेकेंड लीफ बन गया। अब हम इसे टर्न करेंगे इस तरह से और यहाँ पे टॉप पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। अब हमें सेम ऐसा ही पैटर्न रिपीट करना है। यहाँ पे एक मोती लगाएंगे, 8 चेन लेंगे और ये लीफ बनाएंगे। आपको जितने लीफ्स चाहिए उतने बना लीजिए। मैंने इस वाले पे 5 बनाए हैं। आपको ज़्यादा बनाने तो आप ज़्यादा बनाइए, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने 5 लीफ्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद डायरेक्ट 50 चेन्स। ये 50 चेन्स बना लिए हैं। अभी हम एंड में ऐसा मोती लगाएंगे। चेन बना के ये धागा कट कर लीजिए। ये हमारा बहुत ही क्यूट सा और इजी सा हेडबैंड तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। अब हम ये वाला हेडबैंड देखेंगे कैसे बनाना है। ये वाला पोर्शन आपको जिस कलर से बनाना है वो वाला कलर ले लीजिए। एक स्लिप नॉट बनाइए। इसमें हम एंड में इस तरह से मोती लगाएंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अपने हिसाब से चेन्स बना लीजिए। मैं यहाँ पे 50 चेन्स बनाऊंगी। ये मैंने 50 चेन्स बना लिए हैं। 2 चेन्स और बनाएंगे। 1, 2। ये वाली जो सेकेंड चेन है इसमें अब हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। दो और हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये 3 हाफ डबल क्रोशेट बना लिए। फिर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, बट इस टाइम हमें ये वाली जो चेन है हम इसको इस तरह इस साइड लेंगे और ऐसे बनाएंगे। ये 4 और 2 बनाएंगे हाफ डबल क्रोशेट। 5, 6। ये टोटल 6 हाफ डबल क्रोशेट बना ली हमने। ये जो पहली चेन थी उसमें एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब हमें 8 चेन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से जो सेकेंड चेन है उसमें हमें इसी तरह से 6 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2, 3 और 4th बनाते वक्त हम इसको इस साइड ले लेंगे ऐसे। 4, 5, 6 और 1st में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से फिर से हम 8 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और
सेम ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे। आपको ये फ्लावर्स जितने चाहिए अपने हेयर बैंड पे उतने हमें ये वाले पोर्शन बनाना है। यहाँ पे मैंने 6 बनाए हैं तो मैं ऐसे 6 बनाऊंगी। ये मैंने 2 बना लिए और 4 बनाऊंगी। ये मैंने टोटल 6 मिडिल वाले पोर्शन बना लिए। ये लास्ट का बनाने के बाद हमें फिर से दूसरे साइड की स्ट्रिंग्स बनानी है। इसके लिए 50 चेन ले लीजिए और एंड में इस तरह से एक मोती लगा लीजिए। ये हमारे टोटल हेयर बैंड की लंबाई बनेगी। अब हमें वो धागा लेना है जिससे हमें ये फ्लावर्स बनाने हैं। ये मैंने दूसरा वाला धागा ले लिया। एक स्लिप नॉट बनाइए यहाँ पे और इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे इस चेन से ये 1, 2 और 3 ये थर्ड वाले में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। 3 चेन बनाएंगे 1, 2, 3। इसी सेम स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे और इसी सेम में हमें एक स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। अब ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें हम पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसी में हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। अब 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे 1, 2 और सेम्स में एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। इसी सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये बन गया हमारे एक फुल पेटल। यही सेम प्रोसेस हमें सेकेंड वाले में रिपीट करनी है। पहले एक स्लिप स्टिच, एक हाफ डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 और हाफ डबल क्रोशेट, 1 स्लिप स्टिच। अब ये जो नेक्स्ट है इसमें हमें पहले एक स्लिप स्टिच लगानी है, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, एक डबल क्रोशेट बनाना है, अब हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है और ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो मिडल वाला है मतलब यहाँ से ये 2 बीच के और ये जो तीसरा है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। सेम स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट में अब यही वाला पैटर्न हमें रिपीट करना है। ये 2 पेटल्स बनाएंगे। नेक्स्ट में भी यही पेटल का पैटर्न रिपीट करेंगे। नेक्स्ट में एक पहले स्लिप स्टिच, एक हाफ डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, एक चेन और सेम ये वाला जैसे बनाया था वैसा ही यहाँ पे बनाना है हमें। सेम यही पोर्शन हमें इन सब में बनाना है। इसमें बनाते वक्त ध्यान रखना कि ऐसे ये ज़्यादा ट्विस्ट वगैरह ना हो जाए। इसी तरह से ये तीनों ये चारों में बना लीजिए और जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ इसके आगे कैसे बनाना है हमें। ना कंप्लीट कर लीजिए।
ये मैंने लास्ट के फूल के दो पेटल्स बना लिए। अब ये कॉर्नर की मैं बताती हूँ आपको कैसे बनानी है। इसमें पहले एक स्लिप स्टिच बनाइए, एक हाफ डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, ये डबल क्रोशेट बन गया। अब हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। अब हम इस साइड वर्क करना चालू कर रहे हैं दूसरी साइड में। इसी से मैं एक हाफ डबल क्रोशेट, एक स्लिप स्टिच। अब ये जो नेक्स्ट दो स्टिचेस है उसमें हम इसी तरह से पेटल्स बनाएंगे। पहले एक स्लिप स्टिच, एक हाफ डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, एक और डबल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, सेम में एक स्लिप स्टिच। सेम नेक्स्ट स्टिच में भी रिपीट करेंगे। ये जो पहले हमने बनाए थे इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एक चेन बनाई थी यहाँ पे मिडल में, वहां पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा पहला फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब फिर से हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है। ये जो हमने हाफ पेटल बनाया था इसको कंप्लीट करेंगे। एक पहले डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशेट, फिर एक स्लिप स्टिच सेम स्टिच में। ये वाला पेटल कंप्लीट हो गया। अब ये जो अगली दो स्टिचेस हैं इसमें हमें ये फुल पेटल्स बनाने हैं। उसके बाद हमें ये जो हाफ पेटल बनाई थी इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर से ये जो एक चेन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। इसी तरह से हमें ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। ये लास्ट का हाफ पेटल कंप्लीट करेंगे, स्लिप स्टिच, एक हाफ डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट। जो थर्ड चेन थी इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। एक चेन बना के ये धागा कट कर लेंगे। ये हमारा हेडबैंड तैयार है। अब चाहे तो इनके बीच में इस तरह से मोती भी लगा सकते हैं। इसे ग्लू गन से लगाइए या तो फिर सुई धागे से सिल लीजिए। ये हमारे बहुत ही प्यारे, आसान से और सुंदर से हेयरबैंड बन के तैयार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्रोशेटिंग।